फतेहाबाद में जेजेपी प्रत्याशी रहे वीरेंद्र सिवाच ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए धनबल को जमकर इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी विधायक बने दुड़ाराम की ओर से धमकियां मिल रही हैं, उनके समर्थकों ने जान से मारने की धमकी दरअसल दी जा रही है उनको। साथ ही उन्होंने कहा कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो जनता के बीच रहकर सेवा करेंगे। कतारों में लोग लगे हुए थे तो उनकी जेबों में 500 के नोट डालने जा रहे थे, फिर भी हमारे कार्यकर्ता चुप रहे। बहुत जगह देखा गया 500 के नोट से फूल के कमल पर मोहर लगवाई गई।